नो एंट्री टेस्ट, नो आइट्स, नो मेडिकल, नो अटेस्टेशन, नो बैंक स्टेटमेंट, नो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट एंड नो फीस डिपॉजिट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैं सर्विसेज देता हूँ रिगार्डिंग टैक्स, इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड एंड विजिट वीज़ा। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो MBBS करना चाहते हैं, जिसके लिए ना उनको एंट्री टेस्ट की ज़रूरत है और ना आइट्स की ज़रूरत है, ना बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, और ना ही उनको अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने की ज़रूरत है, और ना ही पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, और इवन के ना ही उनको फ़ीस डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत है। ये जो यूनिवर्सिटीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो PMC है पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल उससे रिकॉग्नाइज है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने FSC के लिए एग्ज़ाम दिए हैं सेकंड पार्ट के लिए और अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने FSC प्री मेडिकल में पास कर ली हुई है और वो आगे MBBS करना चाहते हैं, मेडिकल का जो टेस्ट है वो क्लियर नहीं कर पा रहे, या वो पाकिस्तान में नहीं अब्रॉड में करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है कि वो रशिया में, किर्गिज़स्तान में MBBS कर सकते हैं। और वेरी रिच एनवायरनमेंट है इनका, रशिया का आपको पता है कि एक अमीर मुल्क है, तो उसी की ये एक साथ उसका मुल्क है किर्गिज़स्तान, उसी की रियासत होती थी पहले, अब इसको एक मुल्क बना दिया, लेकिन ये है इकट्ठे ही। इनका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत फ्रेंडली है, वहाँ पे जो भी जाता है उसको एक मेहमान नवाजी अच्छी मिलती है, और जाते ही उसका दिल लग जाता है, तो उसको किसी भी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आती। फिर इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो रशियन और इंग्लिश दोनों यूज़ होती हैं, तो इसलिए आपको जो कम्युनिकेशन में आसानी पैदा होती है वहाँ पे। यूनिवर्सिटी की जो फीसेज हैं वो एक्सट्रीमली अफोर्डेबल हैं स्टडी अब्रॉड के हवाले से, क्योंकि फ़ीसें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन इनकी जो फीसेज हैं वो अफोर्डेबल है। डॉक्यूमेंट्स जो इसमें रिक्वायर्ड हैं उसमें आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और एक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर जो आपने डिजिटल फॉर्म में देनी है, और इसके साथ आपकी मैट्रिक और FSC की जो सर्टिफिकेट्स हैं और डिटेल मार्कशीट्स, और मिनिमम जो मार्क्स रिक्वायर्ड हैं वो 60% है। अब नेक्स्ट मैं आपको इसका प्रोसीजर बताता हूँ कि इसका एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, उससे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स दे देता हूँ कि उनकी फ़ीसिस क्या है और एक्सपेंसेस क्या क्या हैं। रॉयल मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है जिसकी जो टोटल फ़ीस है पहले सेमेस्टर की वो $3,550 है, तो इस फर्स्ट सेमेस्टर में इंक्लूड होगा आपकी ट्यूशन फ़ीस पहले सेमेस्टर की, और आपका मेडिकल, और इसमें आपकी एडमिशन फ़ीस, और फर्स्ट जो ई वीज़ा होगा 3 मंथ्स का उसकी फ़ीस होगी, और इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे। ये टोटल यानी कि पहले सेमेस्टर का जो आपका एक्सपेंस होगा इसमें, इस यूनिवर्सिटी में, वो होगा $3,550, और बाकी सेकंड से टेंथ सेमेस्टर तक जो आपकी फ़ीस रहेगी वो $1,750 होगी। जो हॉस्टल के एक्सपेंसेस हैं वो इससे अलग हैं, वो आपकी पर सेमेस्टर की जो हॉस्टल के चार्जेस हैं वो $400 हैं, और जो आपका मेस होगा जिसमें 3 टाइम का मील इंक्लूड है वो आपको पड़ेगा $600 में, और बाकी जो हॉस्टल की सिक्योरिटी फ़ीस है वो तमाम जितने भी हॉस्टल्स हैं उसमें सेम होती है $50। अलातू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसकी जो पहले सेमेस्टर की और बाकी तमाम अखराजात मिला के जो फ़ीस बनती है वो है $4,350, और जो सेकंड से टेंथ सेमेस्टर तक फ़ीस है वो $2,250 है। इसमें जो हॉस्टल के एक्सपेंसेस हैं वो 400 हैं पर सेमेस्टर, और मील मेस के यानी कि हैं $750, मैं आपको बताया कि वो तो होते ही हैं हर हॉस्टल में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास किर्गिज़ स्टेट मेडिकल एकेडमी, इसकी जो टोटल है फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस रजिस्ट्रेशन वगैरह एडमिशन वगैरह मिला के वो है $4,450, और इसमें जो हॉस्टल के एक्सपेंसेस हैं वो 400 पर सेमेस्टर हॉस्टल के एक्सपेंसेस हैं एंड $600 मेस के हैं। अच्छा, ये जो सारी यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये बिश्केक में हैं, किर्गिज़स्तान का जो बड़ा शहर है बिश्केक सिटी में ही है, लेकिन ये जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिज़स्तान है IISM ये तुकमुक किर्गिज़स्तान में है,
और इसकी जो टोटल कॉस्ट है फर्स्ट सेमेस्टर की वो $3,850 है, और हॉस्टल का एक्सपेंस 300 है और मेस का 700 है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ये भी बिश्केक में है, इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसका जो एक्सपेंस है फर्स्ट सेमेस्टर का वो 3,750 है, और इसका जो हॉस्टल का एक्सपेंस है ये पर एनम साल का इकट्ठा लेते हैं ये $800 है, और यानी कि दो सेमेस्टर का आप इसमें इंक्लूड कर लें, और जो मेस है वो $1,200। और लास्ट जो यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिज़िस्तान, इसकी जो टोटल कॉस्ट है फर्स्ट सेमेस्टर की वो $4,200 है, और इसके जो हॉस्टल के एक्सपेंसेस हैं फर्स्ट सेमेस्टर सॉरी पर एनम वो 800 है, ये भी पर एनम लेते हैं, और जो मेस की फ़ीस है वो $1,400 है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने आपको बताई ये WHO और DMC से रिकॉग्नाइज हैं, और ये जो आफ्टर MBBS एग्ज़ाम होता है उसकी भी तैयारी करवाते हैं, और इसमें यानी कि कोई भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ। $200 आपने एडवांस देना है हमें, और अपने डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन भी भेज सकते हैं और बाय फिज़िकल भी दे सकते हैं। ये $200 जो है ये नॉन रिफंडेबल हैं, और ये एडजस्टेबल हैं आपके फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस में, यानी कि ये आपने जो फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जो आपकी मेजर फ़ीस है जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन और एडमिशन वीज़ा फ़ीस वगैरह इंक्लूड है मेडिकल वगैरह, उसमें ये एडजस्ट हो जाएगी, यानी कि उसमें से आपकी ये माइनस हो जाएगी। और इसके अलावा $500 कंसल्टेंसी फ़ीस है, ये भी नॉन रिफंडेबल है, और ये डिस्काउंटेबल है इसमें, यानी कि फर्दर विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्काउंट्स आते रहते हैं। अभी जो फ़िलहाल जो डिस्काउंट रेट चल रहा है वो 20% है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और फीसेज जब आप प्रोवाइड कर देंगे तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और प्रोसेस स्टार्ट होने के विद इन 48 आवर्स आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा। एडमिशन लेटर आने के बाद 10 वर्किंग डेज़ में आपका ई वीज़ा आ जाएगा। जब आपका ई वीज़ा आ जाएगा तो फिर आप अपनी टिकट बुक करवाएं और फ्लाई करें। किर्गिज़िस्तान के लिए टिकट आप खुद भी परचेज कर सकते हैं और हमारे ज़रिए भी कर सकते हैं, बल्कि हमारे ज़रिए अगर आप टिकट परचेज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मार्केट से कम रेट में टिकट मिलेगी। तो जब आप उधर पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट पे आपको हमारा बंदा रिसीव करने आएगा, वो आपको रिसीव करके आपके हॉस्टल में पहुँचा देगा। तो हॉस्टल से रिसीव करने के जो चार्जेस हैं ये आप इसकी फ़िक्र ना करें, ये आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है उसी में ही शामिल है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आपको वो यूनिवर्सिटी भी ले जाएगा जहाँ पे आप अपना एडमिशन के जो बाकी प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। वहाँ पे जाके आप खुद यूनिवर्सिटी अपनी जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है उसको विज़िट करें और अपनी फ़ीस खुद सबमिट करवाएं, और यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट करके अपनी क्लासेस स्टार्ट करें। तो ये तमाम प्रोसीजर था आपका MBBS किर्गिज़िस्तान में करने के लिए रशिया में। तो बहुत ही सिंपल इजी वे है, कोई लंबा चौड़ा कोई रिस्ट्रिक्शन कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं रिक्वायर्ड, और ना ही कोई इसमें कोई पेचीदगी कोई मसले मसाइल है। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम प्रोसीजर की और चीज़ों की समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों के लिए भी फ़ायदा हो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।